एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्य आरोपी अंसार उसके लेकर एक खुलासा हुआ है। एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि वो BMW पर पांव रखे खड़ा है। अब पता चला है कि वो BMW का असल मालिक नहीं था। असल मालिक कौन है, पूरी जानकारी कुमार सोनू के पास है। सोनू, क्या जानकारी है, जिस लग्जरी गाड़ी के साथ अंसार की तस्वीर थी उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, दरअसल BMW कार का मालिक अंसार नहीं था। उसने एक थर्ड पार्टी से जो है वो BMW कार कुछ पैसों में ली थी, जबकि जिस पार्टी से उसने वो गाड़ी खरीदी थी वो उसकी नहीं थी, एक डिस्प्यूटेड कार थी। जिसके बाद अंसार ने वो गाड़ी काफी लंबे समय तक दिल्ली में चलाई और उसके बाद उस सफेद BMW कार को बंगाल में भेज दिया अपने अपने रिश्तेदारों के पास। बंगाल में लंबे समय तक वो गाड़ी चलती रही, लेकिन उस गाड़ी का जो असली मालिक है वो दक्षिण पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है। उसने जो है उस गाड़ी को लेकर अंसार की शिकायत दिल्ली पुलिस से की, कई बार शिकायत की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अंसार पर दबाव बनाया और दबाव जब अंसार पर ज्यादा हो गया दिल्ली पुलिस का, तो अंसार ने वो पश्चिम बंगाल से BMW कार वापस मंगाई और उसके असली मालिक को वो सुपुर्द कर दी गई। तो ये एक पूरा विवाद है। इस पूरे जो ये पूरा एक घटनाक्रम है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंसार शुरुआत से ही एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है और शुरुआत से ही वो जो है अपराध के में से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। शुरुआत में जब वो दिल्ली आया तो उसने स्मैक का काम किया पवन, और उसे ये अंदाजा जब हुआ कि NDPS एक्ट के तहत वो लंबे समय तक जेल जा सकता है, तो ऐसे में उसने जो स्मैक का काम था, जो नशे का कारोबार था, वो बंद किया और इलाके में सट्टा खिलाना शुरू कर दिया, और उसी सट्टे के अवैध कारोबार के चलते उसने अच्छी खासी रकम कमाई। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।